राजेवाडी गावातून मुस्लिम बांधव 90% मतदान सुनील तटकरे यांना करणार. आमदार भरत शेठ, माजी आमदार बाबा सिद्दीकी, माजी आमदार मुस्ताक आंथुले यांच्यासमोर मुस्लिम बांधवांनी व्यक्त केला विश्वास. विरोधकांनी केवळ मतांच्या लाचारीसाठी मुस्लिम समाजात गैरसमज पसरवण्याचं दुकान खोललंय, ते 7 मेला बंद करायचं आहे, आमदार भरत शेठ गोगावले यांचं वक्तव्य. एक काळ असा होता की दुसऱ्या पक्षातून लोक काँग्रेसमध्ये येत होते, आता काँग्रेस पक्षातून लोक शिवसेना आणि राष्ट्रवादी पक्षात येत आहेत, मुस्ताक आंथुले यांचं वक्तव्य. आम्ही सर्व एकत्र आलोय ते फक्त सुनील तटकरे यांना जिंकवण्यासाठी. व्हॉट्सअपवर फिरणारे मेसेज हे फक्त आम्हाला गुमराह करण्यासाठी आहेत, माजी आमदार बाबा सिद्दीकी यांचं म्हणणं. विरोधकांकडे विकण्यासाठी काही नाही म्हणून मोदी साहेबांच्या नावानं बदनामी करतायत, राष्ट्रवादी नेते नजीब मुल्ला यांचं वक्तव्य. रायगड लोकसभा मतदारसंघाची रंगत आता शिगेला पोहोचली आहे. काल राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार यांच्या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली माणगावमधील मोरबा येथे सभा आयोजित केली होती. या ठिकाणी मुस्लिम समाजाचे मतदान महाविकास आघाडीचे उमेदवार अनंत गीते यांच्या पारड्यात पाडण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी ही सभा आयोजित केली असल्याचं बोललं जात असतानाच, जेव्हापासून निवडणुका जाहीर झाल्या तेव्हापासून विरोधकांकडून रायगड लोकसभा मतदारसंघात मुस्लिम समाज हा खासदार सुनील तटकरे यांना यावेळेस मतदान करणार नाही अशा सोशल मीडियातून प्रतिक्रिया येत असतात. काही ठिकाणी फतवे देखील निघाल्याच्या बातम्या सोशल मीडियावरती ऐकायला मिळाल्यात. अशातच खासदार सुनील तटकरे यांनी अल्पसंख्याक मतदानाचा टक्का घटू नये यासाठी कंबर कसली आहे. विविध ठिकाणी शिवसेना मुस्लिम संघटना, राष्ट्रवादी मुस्लिम संघटना आणि भाजपाची अल्पसंख्याक संघटना यांच्या नेतृत्वाखाली प्रत्येक मुस्लिम मोहल्ल्यामध्ये जाऊन मुस्लिम बांधवांमध्ये पसरवण्यात येणाऱ्या गैरसमजुतीच्या बातम्यासंदर्भात जागृती करतायत. याच पार्श्वभूमीवर आज महाड तालुक्यातील बहुसंख्यक मुस्लिम बांधव असणाऱ्या राजेवाडी गावात आज मुस्लिम बांधवांची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत आमदार भरत शेठ गोगावले, माजी आमदार बाबा सिद्दीकी, माजी आमदार मुस्ताक आंथुले, शिवसेना नेते नजीम मुल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी राजेवाडी गावातील बहुसंख्येक मुस्लिम बांधव देखील उपस्थित होते. यावेळी बोलत असताना आमदार भरत शेठ गोगावले आणि या ठिकाणच्या मुस्लिम बांधवांना आश्वासित करत देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी झाले तर या देशातील या राज्यातील बांधवांना कोणताही त्रास होणार नाही आणि जोपर्यंत तुमचा आमदार आहे तोपर्यंत माझ्या रायगड जिल्ह्यात मुस्लिम बांधवांना कोणी त्रास देणार नाही असा दृढ विश्वास मुस्लिम बांधवांना देत विरोधकांनी केवळ मतांच्या लाचारीसाठी मुस्लिम समाजात गैरसमज पसरवण्याचं दुकान खोललंय. ते दुकान 7 मेला बंद करायचं असं ठणकावून सांगितलंय. तर काँग्रेसचे माजी आमदार आणि राष्ट्रवादीचे नेते बाबा सिद्दीकी यांनी स्थानिक आमदार भरत शेठ गोगावले यांच्या कारकिर्दीत होणाऱ्या विकास कामांची गुणगान गात एक वेळ अशी होती इतर पक्षातील लोक हे काँग्रेसमध्ये येत होते, मात्र आता परिस्थिती बदलली आहे. आता काँग्रेसला लोक सोडून शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश करतात, त्यामुळे कोणी कितीही सांगितलं की हे सरकार मुस्लिम समाजाच्या विरोधात आहे त्याच्यावरती विश्वास ठेवू नका. व्हॉट्सअपवर फिरणारे मेसेज हे केवळ समाजाला गुमराह करण्यासाठी फिरवलं जात असल्याचं सांगितलंय. आज मुस्लिम समाजासाठी या सरकारनं मागील सरकारने दिलेल्या 30 कोटी निधीपेक्षा अनेक पटीने वाढ करत अजित पवार यांनी जवळपास 800 कोटींचा निधी दिलाय, त्यामुळे हे सरकार मुस्लिम समाजाच्या विरोधात नाही हे पटवून देत बहुमताने महायुतीचे उमेदवार सुनील तटकरे यांना मुस्लिम समाजाने मतदान करावं असं आवाहन केलंय. तर नुकतेच काँग्रेसमधून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये प्रवेश केलेले मुस्ताक आंथुले यांनी देखील मुस्लिम समाजाला संबोधित करत हे सरकार मुस्लिम समाजाच्या विरोधात नाही, उलटपक्षी 70 वर्ष हीच वाक्य ऐकत आलो, कधीही मुस्लिम समाजाचा काँग्रेसने फायदा केला नाही, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची जी सर्वधर्म संभावाची भावना आहे त्यामुळे गेले कित्येक दशक काँग्रेस पक्षाशी एकनिष्ठ राहून सुद्धा आज आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात सामील झालो, असं उद्गार माजी मुख्यमंत्री स्वर्गीय बॅरिस्टर AR आंथुले यांचे जावई मुस्ताक आंथुले यांनी काढत या राजेवाडी मतपेटीतून सुनील तटकरे यांना भरभरून मतदान करा असं आवाहन केलंय. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात जितेंद्र आव्हाड यांचे अतिशय निकटवर्तीय समजले जाणारे आणि सध्या राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षात राष्ट्रवादी पक्षाचे ठाणे जिल्ह्यात धुरा सांभाळणारे नेते नजीम मुल्ला यांनी जुन्या आठवणींना उजाळा देत विरोधक आता कोणताही प्रचाराचा मुद्दा नसल्यानं जातीय तेढ निर्माण करून मोदी साहेबांच्या नावाने बदनामी करतात. या गोष्टीवर विश्वास न ठेवता मुस्लिम बांधवांनी सुनील तटकरे यांना मतदान करून बहुमताने विजय करून आमदार भरत शेठ गोगावले यांच्या हात बळकट कराव्या असा सल्ला मुस्लिम बांधवांना दिला. यावेळी महाड विधानसभा मुस्लिम संघटनेचे अध्यक्ष अत्तरभाई पठाण, शिवसेना उपतालुका प्रमुख बशीर चिचकर, माजी जिल्हा परिषद सदस्य मनोज काळेचकर, शिवसेना महिला आघाडी महाड उपशहर प्रमुख शाहीन चिपळूणकर यांच्यासह शिवसेना अल्पसंख्याक महाड विधानसभा क्षेत्राचे सर्व पदाधिकारी आणि वरंद विभाग शिवसेना युवासेना पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. तटकरे साहेबांना मतदान करायचं आहे आणि निवड करायचं आहे. आता आमचे काही लोकमध्ये गावाची उपस्थिती कमी आहे. 1983 पासून मी या गावात काँग्रेसचं कार्य करत आहे, तेव्हा सुद्धा असे मिटिंग होत होत्या, परंतु ते मिटिंगामध्ये लोक जरी आली तरी ते कमी कमीच असतात. त्या लोकांना त्या इंटरेस्ट नसते. पण आपल्याला सांगायचं कुठल्या बटन दाबायचं ते आणि ते लोकांनी बटन दाबून आपलं हे करायचं हे असं होत आहे. तरी हे उपस्थिती आमची कमी असली तरी मी तुम्हाला विश्वास देतो
की नक्कीच तटकरे साहेबांना 90% मतदान होईल आणि आम्ही तुम्हाला सहकार्य करू. तशी तुम्ही आम्हाला सहकार्य करताय, आम्ही तुम्हाला सहकार्य करत राहू. एवढं बोलून मी माझे शब्द संपवतो. धन्यवाद. उस जगह का नाम था मोरबी मोरबा और वहां भरत गोगाले को एक नए नाम से मुझे पहचानने को मिला और वो नया नाम था भरत सेठ. तो मैंने कहा कि भरत सेठ जो है तो कैसा सेठ है. तो लोगों को पूछा, सही में मैं सुन रहा था नजीब को. तो हमारी क्या आदत है, हम सियासी लोग हैं तो सबसे पूछते रहते हैं कि भाई यहाँ कौन अच्छा है. अलग अलग तरीके से, जब खादी नहीं पहनते हैं, टी शर्ट पैंट पहन के, गॉगल लगा के, ऐसी मतलब मालूम करते हैं. तो बिलीव करो नहीं करो, इस शख्स के बारे में जो लोगों ने कहा तारीफ काबिल है. मैं चाहूंगा हमारे बीच में मुश्ताक भाई है, मुश्ताक अंतुले, अंतुले साहब की सरजमी रही है ये. और बाकी जितने भी लोगों का मैं नाम नहीं जानता हूँ, मेरे साथ में कम्बोली आए हैं, क्या नाम, बदरुजमा है, नाजिम चलते हुए आया है मुंबई से. हम सब एक ही मकसद के लिए इकट्ठा हुए हैं और मकसद ये है कि सुनील तटकरे को हमको जिताना है. मैंने यहाँ के सरपंच तो आप हो ना, सदर साहब से बात सुनी. बड़े सही अल्फाजों में एक जो शख्स होता है ना, शरीफ इंसान, नेक इंसान, और अपने तरह से बात किया कि मैं ऐसा ऐसा था, मैं वहां गया और मैं वहां जाके लोगों से पूछा, मतलब यहाँ की परिस्थितियां देखा मैंने. और बड़ी सादगी से मैं भरत सेठ के पास गया और भरत सेठ ने मुझे पूछा और वहां फटक करके काम हो गया. राइट है? तो क्या ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है, देखिए सही जो नजीब ने बोला है कि हम लोगों को गुमराह करने का काम चल रहा है. आज भी अगर यहाँ कोई शख्सियत होगी, मैं जहां जहां सभा में गया हूँ, बड़ी बड़ी सभा हमने लगाई, मसला में लगाई, श्रीवर्धन में लगाई, जहां हजारों लोग थे, हमने हर जगह ये बात की कि आप में से कोई भी उठ के कोई भी सवाल मुझे पूछेगा तो मंच में भी पूछेगा तो मैं तैयार हूं, आप लीजिए माइक और मैं आपको आंसर देने के लिए तैयार हूं. क्योंकि ये जो है, अगर हमने महाविकास आघाड़ी तो हमारी सरकार थी, कांग्रेसियों की सरकार थी, श्री मनवाले जी आप वहां का लीजिएगा तो आप देखिएगा मौलाना आजाद एक ऐसा फंड है, अलग अलग समाजों के लिए अलग अलग फंड बना हुआ है, दलित बस्ती फंड होता है, अलग अलग फंड बना होता है. तो बिलीव इट और नॉट के महाविकास आघाड़ी का 30 करोड़ रुपए की गारंटी थी और ये आने के साथ 600 करोड़ रुपए अजीत दादा ने किया. अजीत दादा अकेले तो कर नहीं सकते थे, अजीत दादा को भी मुख्यमंत्री जी के पास जाना पड़ा होगा. 100% मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का अक्षर लगा होगा. तो बोलने का मकसद ये है कि हमने, राष्ट्रवादी कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में सबसे पहला पेज जो डाला है संविधान का डाला है, कॉन्स्टिट्यूशन का डाला है. आप, मैं, मेरे पास है गाड़ी में, मैं समझता हूँ राष्ट्रवादी के लोग आपको लेके घूमना चाहिए, मेरे पास है गाड़ी में. तो बोलने का मतलब है कि ये जो लोग आपको बोलने गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भाई जो आज आपकी हालात है, ये आज इस 10 साल में तो मीडिया में होगी, पर जो हालात है हमारी आज तो नहीं है ना, 70 साल से वही हालात है, तो उसका जवाब कौन देगा? है किसी के पास जवाब भाईजान? तो आप लोगों जो सोच रहे होगे कि हम लोगों को अगर 100 वकील होते हैं तो 100 वकील में अगर सब 100 वकील को हम बोलेंगे, वकील बोलेंगे हमारे को आपके केस लड़ना नहीं है, तो हमको 2-4 वकील तो लगेंगे ना हमारे लिए केस लड़ने के लिए. अच्छी बात बोले, हाँ बहुत सही बात. और वो 2-4 वकील में भरत सेठ होंगे, सुनील तटकरे होंगे, अजीत दादा होंगे, एकनाथ शिंदे जी होंगे. और यहाँ मैं समझता हूँ इस गांव के लिए तो मैं, हम कोई भी शख्स, कोई भी इंसान, कोई भी समाज का हो, एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए. बिल्कुल, एहसान फरामोश जो होता है वो इंसान, मैं समझता हूँ उससे बड़ा गुनाह कुछ नहीं होगा. यहाँ जब पूर आया था तो मैं समझता हूँ जो भरत सेठ ने, मैंने तो सुना हूँ मुख्यमंत्री ने तो अपनी गाड़ी खोल दी थी,
और सुनील डिक्की डिक्की मैं था ना बोली बोलू मैं आगे क्या था आचार संहिता चालू है और गरीब किसी के लिए भी किया था मगर उसी तरह सुनील चटकरे जी ने ये गांव नहीं तो डूब जाता बचाता अल्लाह है अल्लाह की जात बचाती है कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है इंसान तो एक जरिया है परवरदिगार देता है अल्लाह देता है मगर अल्लाह जरिया बनाता है जरिया बना सुनील टक्करे जरिया बना भरत से तो मैं समझता हूँ आपको और सबसे बड़ी बात कल जो बात हुई मैंने तो देखा जब मीटिंग देखा तो मैं थोड़ा अलग तरीके का भाषण दिया मगर मैंने दो नेताओं को देखा जिसने अगर उनका आधा घंटे का भाषण था तो 20 मिनट अकेले की बात की मुझे उस वक्त ऐसा लगा हकीकत में इनको विश्वास है आप लोगों पे और अगर आज ये विश्वास इनका टूट जाएगा तो हम लोग जो आए हैं हम लोग अपना मुंह नहीं दिखा पाएंगे इनको विश्वास है इन्होंने कहा कि मेरे मुसलमान भाई बोल के कहा सुनील टटकरे ने कहा हमारे मुसलमान भाई हमारे लिए मुसलमान हिंदू सब क्योंकि हम लोगों को हमारे पुरखों ने जिस तरह का हिंदुस्तान चाहा था वो इसी तरह का हिंदुस्तान चाहा था सर्वधर्म स्वभाव और जो आपको मतलब अलग तरह से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं मैं उनको भी कहूंगा इस माध्यम से कि भाई बंद करें ये राजनीति क्योंकि राजनीति में जो होता है वो अलग होता है आज अजीत पवार जी जब जहां भी जाते हैं वो कहते हैं हमारी जो राष्ट्र हमारा जो है सर्वधर्म फूले शाहू अंबेडकर की नीति है और वही नीति में काम करेंगे हम और आपको और एक बात मैं बताता हूं कि माइनॉरिटी का भी फंड इस गवर्नमेंट में मतलब आने के बाद में कम से कम जैसा भी नजीब मुल्ला ने कहा 5 करोड़ थाना को मिला हर जगह मिला होगा सुनील टटकरे को मिला सबसे बड़ी बात जो आज है यहाँ मैं समझता हूँ कि उनानी हॉस्पिटल मसला में आ रही है और इसी साल 100 बच्चों को एडमिशन मिलेगा और वो 100 बच्चे उनानी में जो होते हैं वो मुसलमान के ही होते ज्यादा करके अक्सरियत में वो होते बोलने का मतलब है कि ये जो लोग है हर समाज का काम करते ये वो लोग नहीं है जो हिंदू समाज का करेंगे क्रिश्चियन समाज का नहीं करेंगे मुसलमान समाज का करेंगे ये जो बंधन गठबंधन बना है ये विकास के लिए हम लोग सब गए हैं मैं मुस्ताक अंतोनी जी को भी मुबारकबाद दूंगा जो हमारे साथ में आए क्योंकि 1 से 2 होते हैं तो फायदा होता इसका तो इससे ज्यादा मैं समझता हूँ भरत सेठ की जगह में आके किसी को समझाना भी तो क्या होगा कि गलत होगा क्योंकि भरत सेठ जो है यहाँ के क्या है हकीकत में सेठ है मैं समझता हूँ दिल से सेठ है राइट दिल वाला आदमी जो होता है वो सेठ होता है और वो बोलते भी कैसा है कि 40,000 मत से दोगा तो मुझे लगता है कि आप लोगों का भी उसमें होगा मत क्या है कि नहीं भाई जरा जवाब तो दो भाई तो है तो इंशाल्लाह बोलो सुनील टटकरे को वोट भरत सेठ को आगे 6 महीने बाद वो वोट देना है तो आप लोगों वोट दोगे तो ये जो संकली है ऐसी जुड़ी रहेगी और हम समझते हैं अगर ये जुड़ी रहेगी तो लोग कुछ भी बोले और आप गीतेश साहब की अगर मैं बात करूं आप मुझे एक काम बता दीजिए इस मोहल्ले में किसी भी समाज के लिए किया होगा तो फिर सही है भाई आप बोलिए तो जो शख्स आपको कहता है वो कल तक तो एक ही विचारधारा के साथ था आज ही रातों रात कैसा विचारधारा से बोल जाएगा भाई एम आई राइट और रॉन्ग तो अगर वो विचारधारा 20 साल से 25 साल से था 99 में वो हमारे वहां नगर से वह खड़ा था पार्लियामेंट उसके बाद में आप लोग का दिल बड़ा था आप लोग ने यहाँ काजदार बना दिया और एक बार नहीं 4-4 बार काजदार बनाया और 6 बार काजदार बनाया उसके बावजूद 2 बड़े नेता को सुनने को मिला है कि एक काम बता दो अगर ये हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि यहाँ पानी भी नहीं आया और ये मतदार संघ तो पहले का भी मतदार संघ था उसका तो मुझे लगता है शर्म आना चाहिए जो लोग ये सब बातें फैला रहे हैं रही बात इससे कोई इस्लाम पे खतरा नहीं है न कलमे की बात है हम सब उतने ही मुसलमान है जितना कोई शख्स बोलेगा मैं समझता हूँ उनसे अगर कोई डिस्कशन हो तो हम तैयार है उनके साथ डिस्कशन करने में हम यहाँ विकास के लिए आए हैं हमारी बच्चियों को एजुकेशन का लोन मिले हमारे बच्चों को कारोबार के लिए मौलाना आजाद से पैसा मिला है हमारे बच्चे भी डॉक्टर बने कोई यूनानी बने कोई MBS बने हमने भी ये सपना देख के आए तो मैं मेरी बात खत्म करूंगा उस एक शेर से जो सुनील दत्त साहब कहते थे हमेशा
देखिए मैंने कहा ना, कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता, जरिया होता है। उनका एक शेर था कि उनका काम है वो अहले सियासत जाने, उनका काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। और मुझे फखर है कि मैं कार्य सम्राट सुनील तटकरे, कार्य सम्राट भरत शेख जैसे लोगों के प्रचार सभा में आया हूं मैं। और मुझे यकीन है कि आप लोग भी अपना हिस्सा अगर दोगे तो आपको भी ऐसा लगेगा यहाँ के लोगों में कि अगर 40 या 45 हजार की वोट की बढ़ोतरी अगर यहाँ से आई तो हमारा भी इसमें योगदान था, तो आपको भी फखर महसूस करेगा कि हमने भी ये योगदान दिया। वरना आपको भी शर्म के मारे में सर झुकेगा, कहाँ हम बिखर गए उसके बाद भी ये काम करेंगे तो हम शर्म के मारे हमारे चल झुक जाएंगे। तो इसके लिए हम ये ना सोचे कि हमको वोट देना है तो भरत सेठ और सुनील तटकरे को जिताने के लिए वोट देना है। खासदार का आपने मुझे बोलने का मौका दिया, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, अल्लाह हाफिज। और आपको जो है वो हम यहाँ पर क्यों आए हैं, हम आज यहाँ पर क्यों जमा हुए हैं उसके बारे में बताया। लेकिन हमारे बात करने से पहले ही इस गांव के जमात के सदर और इस गांव के सरपंच जो यहाँ बैठे हुए हैं, उन दोनों ने कहा कि इस गांव के जितने भी वोट होंगे उसमें से 90% से ज़्यादा वोट, जो भी पोलिंग होगी उसमें 90% से ज़्यादा वोट जो है वो टक्करे साहब को मिलने वाले हैं। उसके बाद अब हमारा काम बहुत आसान हो गया है। मेरा गांव और मेरा मतदार संघ आपके साथ जुड़ा हुआ है। मैं श्रीवर्धन मतदार संघ से इलेक्शन लड़ा और आप महार से लड़ते हैं। एक टाइम था कि अखिलेश साहब के जमाने में हर पक्ष से लोग कांग्रेस में आते थे, आज ये टाइम आ गया कि हर पक्ष से लोग राष्ट्रवादी में जा रहे और शिवसेना में जा रहे। मैं कांग्रेस से गया, हमारे बाबा साहब गए, बाबा सिद्दीकी साहब गए, ये हमारे बशीर चिस्कर यहाँ बैठे हुए हैं, ये भी कांग्रेस वाले ही थे 100%। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि लोग कहाँ जाते हैं, लोग वहाँ जाते हैं जहाँ काम होता है, लोग वहाँ जाते हैं जहाँ उनकी समस्या सुलझाई जाती है। और इस मतदार संघ को तो मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ, इस मतदार संघ को मैं तो बहुत सालों से देख रहा हूँ। ये तो मतदार संघ ट्रेडिशनली नाना साहेब पुरोहित के जमाने से लेके और शंकरराव सावंत के जमाने से लेके और अन्ना साहब सावंत के जमाने से लेके ये क्या मतदार संघ था और क्या हो गया ये मुझे मालूम है। आपकी ये बात बाजू में जो MIDC आई हुई है वो आपको सबको मालूम है, आप सीनियर हैं कि वो बैरिस्टर अतुले साहब ने जब CM थे तब लेकर आए। चंद्रकांत देशमुख उस वक्त कांग्रेस के आमदार थे, चंद्रकांत देशमुख भी हैं, उसके आगे शंभा सावंत तो पता नहीं कितनी बार चुन के आए, ये उनको खासदार बनाए हमने इस जिले का। शंकरराव सावंत या जिल्ह्याचे भरत शेठ खासदार झाले। तर सांगण्याचा मुद्दा फक्त एवढाच आहे की काँग्रेसला सोडून ज्यावेळेला लोक दुसऱ्या पक्षामध्ये वेगवेगळ्या पक्षात जात आहेत तर काय ते कारण असेल, एक तर आकर्षण असेल तुमच्या कामाचं, तुमच्याबद्दल जरी तुमची माझी फार भेट कधी झाली नसली तरी सुद्धा आमच्या गावातले अनेक कार्यकर्ते तुमच्या संपर्कात होते। आमचे दिवंगत ऍडव्होकेट रियाज उभारे हे नेहमी मला तुमच्याबद्दल सांगायचे, माझा तुमचा जरी परिचय नसला त्यावेळेला, पण मी ऐकून आहे की ह्या मतदारसंघामध्ये कामाचं ज्या पद्धतीनं तुम्ही एक झंझावर त्याला आपण म्हणतो की तुम्ही जे सुरू केलेलं आहे ते आमच्याकडे तटकरे साहेबांनी सुरू केलं। मधल्या पिरियडमध्ये रवींद्र राऊत साहेबांच्या निधनानंतर आमच्याकडे 10-15 वर्ष थोडासा स्लॅक स्लो झाला होता, त्याला सुरुवात परत तटकरे साहेबांनी केली, इथे तुम्ही केली, गेली 15 वर्ष तुम्ही इथे आमदार आहात, गेली 15 वर्ष ते तिथे आमदार, ते म्हणजे ते त्यांचा पुतण्या
त्यांची मुलगी मुलगी, तर सातत्यानं जे काम करतायत आणि सातत्यानं जे निवडून येत आहेत ते त्याच वेळेला होत ज्या वेळेला ते कार्य करतात। तटकरे साहब के इलेक्शन के सिलसिले में सदर साहब आपने बहुत बड़ा हमको यकीन दिलाया कि जिस अंदाज से, क्योंकि ये हलके का या परिसरात सर्वात मोठा गाँव म्हणजे राजवंदी आहे, किमान कमीत कमी 500 पेक्षा जास्त घर इथे आहे और एक बड़ा तबका हमारे अकलियतों का मायनॉरिटी का भी है। पण मला खूप आनंद होतो भरतशेट संध्याकाळी गावाची काही मंडळी भेटायला आली आणि कोकणातलं आपण कोकणी असल्यावर नातं इथलं तिथलं असतं, मुलगी किंवा मुलगा कोण ना कोण गावात निघतं। आता मला सावंत मॅडमनी सांगितलं का पूर आला होता तर तुमची गाडी सर्वप्रथम इथे आली होती साहित्य सकट, मला पण माहिती नव्हतं कारण ती पोरं कार्यकर्त्यांची कामं असतात आपण रसद पोहोचवतो नातं निघतं। पण सर्वप्रथम निवडणुकीच्या आधी माणसाने काम केलं असेल तर चार चौघात त्याची प्रशंसा होणे गरजेचं असतं। शेट एवढा आनंद झाला विसावा हॉटेलपासून इथे येईपर्यंत एक क्षण असं नव्हता काय इथले नागरिकांनी आपली प्रशंसा केली नाही। आम्ही आपल्याला चांगलं ओळखतो भरत शेटला, मला वाटतं मी प्रथमदा भेटलो होतो 2008 साली जुलेचा गुलाम जुलेचं घरी ईशान कांबळेला रात्री जेवायला बाजूला 2008 का 2009 रात्री आपण जेवायला बसलो होतो। त्याच्यानंतर कारण तेव्हापासून बघितलं होतं पण एवढा चांगल्या रीतीने काम करणारा कर्तृत्वान आमदार आपल्या सोबत आहे आणि ठाण्याचं प्रेम ज्याच्यावर असेल तर चांगलंच होत, मी ठाणेकर। पण सदर साहब आपने यकीन दिलाय बेशक सही बात है, पिछला इलेक्शन और ये इलेक्शन के अंदर थोड़ा सा फर्क है। खुशी की बात ये है कि इस रायगढ़ की सर जमीन या रायगढ़च्या भूमीवरन दोन दिग्गज नेते एकत्र आले और जो जब दो ताकतें एक साथ जुड़ती है तो उसका फायदा आवाम को, कार्यकर्त्यांना, गावाला, गटाला, सर्वांना होतो आणि ते आपण आज बघतोय। पण ये इलेक्शन में एक मिसाल आपको देना चाहता हूं कि 6 महीने पहले आपके ग्राम पंचायत के अंदर यासीन आए चुमके, आप लोग सबने उसको नौजवान को चुमके दिए, मगर काही उपडाची लोक निवडणुके मनमोकळ्यांनी बोलायला लागेल अशा पद्धतीनं आपल्या समाजात ऐसा व्हिडिओ व्हायरल कर रहे हैं कि नहीं, वो व्हिडिओ देखने के बाद में भी यकीन हो रहा नहीं है कि ये व्हायरल करते वक्त अपने बयान करते वक्त ये सोच नहीं रही कि कितना झूठ बोल रहे हैं कि बच्चे तो अंधे नहीं है, कि गीते साहेबांनी आज समाजासाठी काय केलं, गीते साहेबांनी किती तत्परी विकास काम केली, गीते साहेब किती लोकांच्या संपर्कात होते। काल मुरबाला सभा झाली शेटच्या पुढाकाराने आणि त्या मोरबाला बाजूला शेकापची पण सभा होती, पण हे कोणी बघितलं नाही, त्यांनी तर बाहेरची माणसं आणली होती। पण तीन ठिकाणी आनंद गीते सापडलाय म्हणून कटआउट लागले होते, आनंद गीते सापडलाय निवडणुकीनंतर 19 नंतर आनंद गीतेला मोरबा गावात स्वागत, मतदार आठवले, परिसर आठवला म्हणून स्वागत, आणि हे लावणार कुठले राजकीय लोक नव्हती, राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते, शिवसेनेचे कार्यकर्ते, आरपीआय, भाजप यांचे कार्यकर्ते नव्हते, सर्वसामान्य जागरूक नागरिक होते, चार मंडळी ज्येष्ठ होती ज्यांनी तसे कटआउट लावले। तो ये इलेक्शन में हमको बहुत काम तो सेठ ने जो किया है, रस्ते के काम हो, पानी योजना हो, वो जितना फेरिस पड़ता है उन्होंने किया है 100%, बड़ी 100% काम जिन्होंने किया है। सेठ ने कल सबसे बड़ा स्टेज पे चैलेंज दिया है कि माड मतदार संघातून 40,000 पेक्षा लीड तुम्हाला देना है। अब ये गांव के लोगों को उनकी जबान रखनी है, कोई भी नेता, कोई भी जैसा हम कोई नेता जब वो जबान देता है तो अपनी सैन्य के ऊपर देता है, फौज के ऊपर देता है, साथियों के ऊपर देता है, तो
तो आपको इस गांव में ये तवज्जा करनी चाहिए सावंत साहब तुम्ही सर्वांनी मिळून कि जो बदगुमानी फैला रहे हैं इलेक्शन के मामले में और वो हकीकत क्या है आपने जाना है क्योंकि महाड़ी एक ऐसा मतदार संघ है जो 2009 पासून एकत्र आला है लोकसभेला 2009 आधी पासून पण तो गीते साहेबांचा मतदार संघ होता हे आधी आम्ही मसला किंवा श्रीवर्धन किंवा मुरुडला गेलो असतो और वहां हम कहते थे कि भाई गीते साहब आके बोलते थे 2009 में चुनके दिए 14 में दिए 19 में तो गिराया मेरे को 10 साल मिला गलती हो गई माफ करो दिल्ली में बिजी था बट महाड मतदार संघ तो आधीपासून है 30 वर्ष त्यांच्याकडे आणि अशा पद्धतीने मोदी साहेबांच्या नावाने ज्या पद्धतीने मुस्लिम समाजाची गैरसमज केली जाते की बाबा तटकरे साहेबांना मतदान दिलं तर मोदी साहेब येतील मोदी साहेबांना अमुक देश बदलेल कायदा बदलेल बाकीचे वक्ते त्या बाबतीत सांगतील या पद्धतीचा हमको खुलासा देना है कि बदगुमानी उनके पास जब बेचने को खुद का माल कुछ नहीं है खामिया आज इथे आनंद आहे भरत शेठच्या नेतृत्वामध्ये अख्तरबाई सारखे त्यांचे खंदे समर्थक आहे बशीरभाईला विचारलं बशीरभाई काय आहे तो बोलले सेनामध्ये मला आमची सेनामध्ये बोलले हो आपली सेनामध्ये साहेब अधिकार ठाण्याचा आमचा प्रथम येतो ना साहेब तो बोले आपली सेनामध्ये तो बोले हो आपली सेनामध्ये तर या पद्धतीने खंदे म्हणजे 7-5 एकत्र करून लढतय 7-5 वेवक बाजूला ठेवून एकत्र काम करतायत हे वैशिष्ट्य आपल्या नेतृत्वाची आणि अशा वैशिष्ट्य मध्ये गीते सारखा माणूस जे आयुष्यभर बरेच काय कांद्याला कांदा लावून तुम्ही काम केलं असेल द्वेष गावागावात तिढा निर्माण करायचा लोकांची भांडणं लावायचा असं संस्कार ज्यांनी पसरवलं होतं आज म्हणतो की मी स्वच्छ झालोय मी सेक्युलर झालोय पटत का जमेगा हमको ये हमको लोगों के दिमाग में डालना है भरत शेठ है भरत शेठ ने जबान दी है तो उसके लिए पूरी तरीके से उसकी अमल बजाव होनी चाहिए तिवरी पेक्षा जास्त मताधिकाराची जबाबदारी आपली है तो इसलिए आपने तो आश्वासन सबने दी भी है बट कुछ बातें कुछ वीडियो सामने से आई भी है जो उल्टा और मुस्लिम समाज के अंदर गांव गांव में सोशल मीडिया में नौजवानों के जरिए घर में पहचान रहे तो ये सब गलत बात है मुकम्मल गलत बात है आज शिंदे साहब है तो अल्पसंख्यक का निधि आया उद्धव साहब के पास मैं और नवाब भाई चक्कर काट काट के थक गए साइन नहीं मिली नवाब मलिक साहब और माइनॉरिटी मिनिस्टर थे आज 800 करोड़ रुपया दादा के नेतृत्व में पुटअप भी दूसरे दिन फाइल सर्व सत्ताधारी आमदारांना ग्रामीण भागात आणि शहरी भागात 5 कोटी भेटले तो आवड जेवढा बोंबलतो ना त्याच्या मतदारसंघात शिंदे साहेबांनी माझ्या नावाने पत्राने दिले 5 कोटी रुपये आमदार निधी अल्पसंख्यक तो मुसलमानों को साथ हम मिलके दे रहे ना कहा अकलियत के मामलों में कॉम्प्रोमाइज की कहा ईमान कोई धोखे में कहा मजहब कोई धोखे में कहा से ये मामला ला रहे हो तो मेरी दरखास्त है ज्यादा वक्त ना लेते हुए खुसूसन हमारे कौम के लोगों को कि बदगुमानी जो अलग है वो चीज में नहीं आए भरत शेठ जैसा एक नेक इंसान साफ दिल का इंसान मुंह पे चिल्ला के बोलेगे बट मोहब्बत उतनी क्योंकि वो हक से जो काम करता है वही हक से बोलता है प्यार से कभी जात पात किसी के पास नहीं है नहीं। कभी उनके पास कभी जहन में नहीं है किसको मदद करने का और एक तटकरे साहब जो उसी किरदार के उसी सलाहियत के उसी समझ के जिन्होंने हर चीज में हर जगह पे मदद की है अलग अलग काम है जो रायगढ़ के अंदर नसीब हुए दो साथ में मिले हैं मेरी दरखास्त है कि मुस्लिम समाज खुसूसन से मराठी समाज तो साथ में है कि मिलके एक साथ वोट दे ऐसे कोई गलत फहमी जो बताई जा रही है उस सिलसिले में खुसूसन कभी भी नौजवान को मिलना है तो रिकॉर्डिंग है माइक है बोल नहीं सकते मिलके अपन बात करके और असलियत बताएंगे ये अगाड़ी जो है ये युति जो है महायुति ये सबसे अच्छी है जिधर सबका काम हो रहा है हर जात पात घटक का काम हो रहा है निधि मिल रहा है लोगों का विकास हो रहा है जात पात खत्म हो रही है किसी पे ना इंसाफी नहीं हो रही है आज अंतुले साहब जैसे वही काम को देख के हमारे साथ जुड़े बाबा सिद्दीकी साहब कांग्रेस छोड़ के हमारे साथ जुड़े कांग्रेस की गर्भ में से सुनील दत्त साहब का साया थे वो आज हमारे साथ जुड़े तो ये नहीं महायुति की सरकार की वजह से सब अच्छा हो रहा है मेरी दरखास्त है आप सब लोग जिम्मेदारी लीजिए और मिलके अपने घरों घरों के अंदर जाके एक वोट भी खराब ना हो जाए क्योंकि
शेठ ने दिलेला शब्द 100% इन्शाल्लाह खरं ठरणारच. मी यांना खूप आधीपासून बघतोय 100% ठरणार आहे. पण त्यामध्ये सियाचा वाटा अपने समाज का भी रहना चाहिए. तो कल वो जो काम कर रहे हैं वो काम के अंदर उनको कतई ना हो जाए कि ये गांव में ज्यादा में पानी ला के दिया, रास्ता ला के दिया, ये बच्चों को पुलिस स्टेशन में मदद किया और उसके बावजूद ये बच्चों ने मेरी इज्जत रखने को वोट नहीं दिए मेरे बोलने पे. ये कतई होगी उसमें गांव का नुकसान होगा. तो जो कुर्सी से उतर चुके हैं वो तो वीडियो फैलाते रहेंगे, उनके पेट में दुखेगा ही. तो आप उस चीज पे तवज्जो ना देते हुए ज्यादा से ज्यादा वोट दीजिए और तटकरे साहब को जिताइए. घड़ी के निशानी पे आप 7 तारीख को मोहर लगाइए. यही दरखास्त करता हूँ, इजाजत देता हूँ. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह मूल्यातले असलेले सर्व काही घरी असतील ते पण, परंतु खास करून जे आज राजेवाडी मूल्यामध्ये जे आपल्याला मीटिंग करावी लागली त्याचं कारण, आणि त्यामध्ये पण आमचे मान्यवर पाहुणे मंडळी सगळे आलेले आहेत, त्यांनी त्यांचं मनोगत वस्तुस्थिती सांगण्याचा प्रयत्न केला. मी येण्याच्या अगोदर थोडं आमच्या सदरनी परिस्थिती वस्तुस्थिती सांगितली. पुस्तकभाय तुम्ही सिद्धिकीबाई नजीमुल्ला आणि तुमच्यावर आलेले सगळ्यांना माझा श्रद्धा आहे. आणि ह्या लोकांना विचारा, या पूर्ण मतदारसंघामध्ये माझ्या 65 मूल्य येतात. किती? 65 मूल्य. मानगाव, महाड आणि पोलादपूर, त्यामध्ये हा आमचा मधला हा कट्टर विरोधक तुमचा माणूस आहे. मानगाव आमच्या लोकांची काय, त्याचे वडील आमचे दोस्त होते, पंचायत समिती सदस्य होते. तर म्हणजे गेल्या 3 टर्मला मला निवडून दिलं त्या मतदारसंघाने. काही तर प्रभाकर मोरे होते तुमच्या टायमाला, मंत्री पण होते ते. बाईने तर अगोदरच सांगितलं, नानासाहेब पूर्वीकर त्या, किंवा आम्ही काही एवढं मोठं राजकारणामध्ये नव्हतो. 92 पासून आम्ही थोडं राजकारणात आलो आणि ते आत्तापर्यंत टिकून आहे. गावचा पहिला सरपंच झालो बिनविरोध माझ्या गाव डोंगरामध्ये. तिथून मला इकडं काँग्रेसचं वातावरण होतं त्या वेळेला, मला काँग्रेसने तिकीट नाही दिले. तर तुमच्यामध्ये ते बलिष्ठ आणायचे काँग्रेसवाल्यांचे मला हे लोक सांगतायत नाकाला माका लावून आपलं उद्या असं होईल तसं होईल. पण माझी कार्यकर्त्याला विनंती आहे, तुम्ही सांगायला पाहिजे ठामपणे की जोपर्यंत आमचा आमदार इथे आहे तोपर्यंत आम्हाला कोणाला काळजी करायचं कारण नाही आहे. त्या देशात तिकडं काय घडो, राज्यात काय घडो, माझ्या जिल्ह्यामध्ये, माझ्या मतदारसंघामध्ये आणि माझ्या तालुक्यामध्ये भरत शेठ तुमचा भावासारखा पाठिंबा काय काळजी करायचं कारण आहे. पल्लवकर यांचा ठेकेदार आहे, राष्ट्रवादीचं ठेकेदार म्हणजे MIDC. त्याला विचारा कधी आम्ही त्रास दिलाय का, तकलीफ दिलाय का. हा बिल्डर आहे, हा मदत मागतो आमच्याकडनं. तो मतदान करत नव्हता आम्हाला, तो माणिक जगतापला मतदान करायचा. पण त्याला विचारा, कधीतरी आमचा त्रास झाला असला तर झाला का कधी? मग आता तू विचारा लोकांना. हा आमचा पदाधिकारी आहे तिथं, यांची ताई कुठे, ही पाठीमागे पदाधिकारी आहेत. हे लोक फक्त म्हणजे आता मराठी बांधवांना विनंती आहे, तुम्ही पण जे तुमचे कोण मित्र दोस्त असतील त्यांना सांगायचं आहे की हे आपल्या इथं हे जे काय पसरवत आहे त्यांना सांगायचं. त्यांना बाटलीत बंद जे काय आपल्याला करणार आहे ते आता त्यांना करायचे आहे, हे लक्षात ठेवा. कारण तुम्हाला एकच माझी विनंती आहे, 7 तारखेला कुठेही न जाता घड्याळा समोरचं बटन दाबायचं. आणि ते 7 तारखेला आपण ज्यावेळेला घड्याळामध्ये मतदान करू ते आपल्याला 4 जूनला आपल्याला मिरवणुकीला अलिबागला जायचं आहे. ती माझी जबाबदारी, काळजी करायचं कारण नाही आहे.